وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وقد قال الله تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وقد قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم سامعین محترم قرآن مجید کے مختلف مقامات سے تین آیات کے وہ حصے آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے لفظ حرام کو مختلف حوالوں سے بیان کیا ہے۔ پہلی آیت سورۃ المائدہ کی، جس میں اللہ رب العزت نے ایک پیغام دیا، تعلیم اور بات سمجھائی ہے کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے جو شعائر ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کی حرمت کو حلال نہ کر دو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ اس مہینے کی بے حرمتی کرو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنا رکھا ہے، نہ قربانی کے جانور کی حرمت کرو، بے حرمتی کرو، اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرو جو بیت الحرام کی طرف سفر کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ اور کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کعبہ کو بیت حرام بنایا ہے، حرمت والا گھر بنایا ہے، قیام للناس، تاکہ لوگ اس میں اللہ کی عبادت کے لیے قیام کر سکیں۔ اور کبھی فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے لمحے میں، رات کے وقت حرمت والی مسجد سے دور کی مسجد، یعنی مسجد اقصیٰ میں لے گیا۔ یہ لفظ آج میں آپ کے سامنے اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے، یہ پہلا مہینہ محرم الحرام، محرم الحرام کہلاتا ہے۔ اور دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہمیں اس کے مہینوں کی ترتیب میں ہی نظر آتی ہے کہ جس اسلامی سال کا آغاز ایسے مہینے سے ہوتا ہو کہ جس میں جنگ و جدال منع ہو، جس میں جسے حرمت والا مہینہ بنا دیا گیا ہو، جس میں کسی کی جان کو، کسی کی عزت کو، کسی کے مال کو نقصان پہنچانا ممنوع قرار دے دیا گیا ہو، اور جس دین کے سال کا آخری مہینہ بھی حرمت والا مہینہ کہلائے، جس میں حج کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں لاکھوں انسان احرام باندھ کر ایک علامت کے طور پر لوگوں کے سامنے اپنی پہچان کرواتے ہیں
एक तरह की डिमॉन्स्ट्रेशन होती है वहाँ पर कि हमारा ताल्लुक एक ऐसी उम्मत से है कि जिसमें इंसानों की जान, इंसानों के माल, इंसानों की इज्जत का बड़ा एहतराम किया जाता है, जिसमें अल्लाह की कायनात में, अल्लाह की ज़मीन पर रहने वाले न सिर्फ इंसान बल्कि दरख्त, चौपाए, परिंदे, जानवर, उन सब का भी ख्याल रखा जाता है और उसकी बाकायदा तालीम दी जाती है। तो यकीनन ये बात काबिले गौर है कि इस्लामी तारीख ने अपने साल का आगाज़ हुर्मत वाले महीने से क्यों किया और अपने साल का अख्तिताम हुर्मत वाले महीने से क्यों किया और दरमियान में भी हुर्मत के महीने मुख्तलिफ अवकात में आते रहे और इस्लामी सकाफत बैतुल्लाहिल हराम से क्यों शुरू होती है और पूरी दुनिया में लाखों मसाजिद की शक्ल में उसी बैतुल्लाह की एक अलामत और निशानी क्यों पेश की जाती है। ये इस वजह से कि दीन इस्लाम ही वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन है कि जो इंसानों की इज्जत, इंसानों की जान और इंसानों के माल की हिफाजत कर सकता है, जिस पर अमल करते हुए इस दुनिया में बसने वाले तमाम लोग और रहने वाली तमाम मखलूकात, हत्ता कि उसमें नबातात और जमादात भी हैं, परिंदे और हैवानात भी हैं, वो भी किसी किस्म का जुल्म मुसलमानों की तरफ से यकीनन वसूल नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लाम अमन सलामती का पैगाम लेके आया है तमाम इंसानों के लिए, तमाम मखलूकात के लिए। यही वजह है कि उस अमन सलामती को कायम करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुख्तलिफ किस्म की इबादात में से गुजारा, मुख्तलिफ किस्म की सकाफतें अता की, मुख्तलिफ किस्म के काम हमसे करवाए और बाकायदा उसकी ट्रेनिंग और तरबियत देता रहा ताकि हर लम्हे ये बात हमारे जहनों में ताज़ा रहे और किसी भी लम्हे ये बात हमारे ख्याल में से ओझल ना हो जाए कि हम इस दुनिया में अमन और सलामती कायम करने वाली उम्मत हैं। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रसूल अमीन भी थे, रसूल सादिक भी थे, रसूल अमन और सलामती भी थे, हम उनको मानने वाले हैं और हम उस काबा के गिर तवाफ करते हैं जिसे मस्जिद हराम कहा गया, जिसे बैतुल्लाहिल हराम कहा गया। यही तो वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में इस बात को बहुत खोल कर बयान कर दिया, अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्न दिमाअकुम, बेशक तुम्हारे खून, व अमवालकुम, तुम्हारे अमवाल, तुम्हारे माल, व अअरादकुम, तुम्हारी इज्जतें, हरामुन अलैकुम, तुम्हारे लिए बायस एहतराम है, अंतुल्कु रब्बकुम, उस वक्त तक कि जब तक तुम अपने रब से मुलाकात नहीं करते, यानी जब तक तुम इस दुनिया में जिंदा हो तो तुम्हारे माल, तुम्हारी जानें, तुम्हारी इज्जतें, ये तुम्हारे लिए बायस हुर्मत हैं और जान और माल और इज्जत की हुर्मत
अगर समझना चाहते हो तो यूं समझो कि जैसे हज के दिन अराफात के मैदान में खड़े हुए लोग हुर्मत को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, दो सफेद चादरों की सूरत में एक ऐसा लिबास पहनकर लोगों के सामने आ जाते हैं जो सलामती की अलामत बनता है। और देखिए कैसी अजीब बात है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी जंग होती है, अगर कोई शख्स या कोई लश्कर सफेद अलम लहरा दे तो सफेद अलम को सलामती की निशानी और अमन की निशानी समझा जाता है कि अब हम जंग नहीं चाहते, अमन और सलामती चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हज के मौके पर लाखों इंसानों को हर साल ये सफेद परचम लिबास की सूरत में अता करके लोगों के सामने एक नुमाइंदा बना के पेश करते हैं कि हम दुनिया में अमन और सलामती के नुमाइंदे हैं। हम सलामती का परचम लपेट कर अपने जिस्म के साथ तुम्हारे सामने इस बात को पेश कर रहे हैं कि हम इंसानों के लिए तबाही नहीं बल्कि सलामती का पैगाम लेके आने वाले हैं। हम फितनाबाज नहीं बल्कि फितनों को ख़त्म करने वाले हैं। हम दुश्मनियां पैदा करने वाले नहीं बल्कि दुश्मनियों को ख़त्म करने वाले हैं, दोस्तियां बनाने वाले हैं। इसलिए कहा कि तुम्हारा माल, तुम्हारी जानें, तुम्हारी इज्जतें तुम्हारे लिए उसी कदर मोहतरम हैं कि जिस तरह हज का दिन मोहतरम होता है, जिस तरह हुर्मत वाला महीना मोहतरम होता है। फी शहरिकुम हादा, ज़ुलहज के महीने में यह पैगाम दिया गया था। और ज़ुलहज जो इस्लामी साल का आखिरी महीना है और उसके बाद इस्लामी साल का जो पहला महीना है मुहर्रम, वो भी उसी की निशानी को और उसी की बात को आगे बढ़ाने के लिए अता किया गया। फी बलदिकुम हादा, जिस तरह इस शहर की हुर्मत है, जिस तरह इस महीने की हुर्मत है, जिस तरह इस घर की हुर्मत है, ऐ लोगों तुम्हारी जान, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें वो भी तुम्हारे लिए उतनी ही ज़्यादा काबिल एहतराम है। और सामिने मोहतरम, जान माल और इज्जत की सलामती और हिफाजत उसी सूरत में बरकरार रह सकती है कि जब हम उसकी बात माने कि जिसने जान को बनाया, जिसने माल को बनाया, जिसने इज्जतों का तसव्वुर दिया। इन तीनों हवालों से आप ज़रा गौर कीजिए कि जो इन तीनों चीज़ों का खालिक है, जब तक उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो यकीनन न जान सलामत में रहे सलामती में रहेगी, न माल महफूज रहेगा, न इज्जतों का कोई एतबार रहेगा। दुनिया में तमाम जानें जो बनाई जा चुकी हैं और जो बनाई जाएंगी और जो बनाई जा रही हैं, उसका खालिक सिर्फ और सिर्फ एक, जिसे अल्लाह कहा जाता है, उसी अल्लाह की बात मानी जाएगी तो जानें महफूज होंगी। दुनिया में जितने भी मालो मता पाए जाते हैं, सोने चांदी की शक्ल में, ज़मीनों की शक्ल में, खेतों बागात की शक्ल में, ज़मीन के अंदर रहने वाले सरमायों की शक्ल में, पेट्रोल और गैस और मादनियात के ख़जानों की शक्ल में, इन सब का भी खालिक सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो अल्लाह है। और इनको महफूज उसी सूरत में किया जा सकता है कि जब हम उस अल्लाह की बात मानें।